हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस। इसमें हम डिस्कस करेंगे आरओई के बेस पर कुछ एग्जांपल्स टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ आरओई विद ड्यू पॉइंट एनालिसिस। तो लेट अस स्टार्ट एग्जांपल नंबर 15। सो इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी डाटा गिवन इज जर्मनी लिमिटेड है कि टोटल एसेट्स और रुपीज 60 करोड़ एंड डेट इक्विटी रेशियो 0.5। तो अब देखिए आपको टोटल एसेट्स दी हैं तो दिस इज रुपीज 60 करोड़ से एंड डेट इक्विटी रेशियो इज गिवन 0.5। इट मीन्स इफ इक्विटी इज 1 डेट इज 0.5 तो दिस कैन ऑल्सो भी एक्सप्रेस कैज 0.5 की डेट विथ रिस्पेक्ट टू इक्विटी इफ इक्विटी इज 1। इट सेल्स आर 27 करोड़, फिर आपको सेल्स के रखी हैं रुपीज 27 करोड़ से एंड इट हैज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ रुपीज 7 करोड़ और इसकी फिक्स्ड कॉस्ट भी दी है आपको रुपीज 7 करोड़। फिगर्स आपके करोड़ में चल रहे हैं। इनका कंपनी से इबिट इज रुपीज 6 करोड़, ई बी आई टी आपको दी है डेट के 6 करोड़, टैक्स रेट 30% एंड इंटरेस्ट ऑन डेट के 12%। सो टैक्स रेट आपको मेंशन किया है जिसे जो 30% एंड इंटरेस्ट रेट ऑन डेट आल्सो गिवन, सो जिसे जो गिवन टू बी 12%। सो फाइंड आरओई ऑफ जर्मनी लिमिटेड, इसमें आपको सिंपली आरओई फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड आरओई। तो आर ओ ई के लिए चाहिए हमें प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई इक्विटी फंड्स। अब आपको देखो टोटल एसेट्स दी हैं, टोटल एसेट्स होती हैं आपकी डेट प्लस इक्विटी। इट मीन्स इफ डेट इज 0.5 इक्विटी इज 1 दैन टोटल एसेट्स आर 1.5। तो इस प्रपोर्शन को यूज करके आप टोटल एसेट्स में से कैलकुलेट कर सकते हैं वकील डेट वकील इक्विटी। सो देयर फॉर अमाउंट ऑफ डेट इज इफ टोटल एसेट्स 1.5 डेट इज हाउ मच 0.5। इफ टोटल एसेट्स आर 60 करोड़ दिस इज कमिंग 20। सिमिलरली इक्विटी इफ टोटल एसेट्स आर 1.5 इक्विटी इज 1। इफ टोटल इज 60 यानी कि 40 करोड़ रुपीज आपके करोड़ में आओ। तो अब आपको आर ओई फाइंड आउट करनी है, ई बी आई की आपको दे रखी है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं बटी ई बी आई की। तो जिसे जो गिवन टू बी रुपीज 6 करोड़, तो ई बी को क्या है हमारा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, इसमें से माइनस है रखें इंटरेस्ट ऑन गेट गेट की 20, इसके ऊपर इंटरेस्ट है आपका 12%। सो इंटरेस्ट की जो 20 इनको 12% जिसे कि 2.4 बैलेंस है पी बी की, तो जिसमें इज अवर 3.6, जिसमें से माइनस कीजिए अब आप टैक्स एट द रेट ऑफ 30% और इसमें कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। सो बैलेंस विल बी प्रॉफिट फॉर इक्विटी जिसे कि पैट मीन्स प्रॉफिट फॉर इक्विटी। तो 3.6 इंटू 30% 1.08 बैलेंस इज 2.52। तो अब आपके पास प्रॉफिट है फॉर इक्विटी, इक्विटी के फंड्स भी हैं 40, सो यू कैन कैलकुलेट आर ओ ई। तो आर ओ ई का देखिए आप सिंपल फार्मूला बन जाएगा प्रॉफिट फॉर इक्विटी विच इज पैट अपॉन इक्विटी टाइम्स 100। तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी 2.52 अपॉन 40 टाइम्स 100। तो 2.52 डिवाइडेड बाई 40 टाइम्स 100 6.3% इज अवर रिटर्न ऑन इक्विटी। नेक्स्ट लेक्चर से अवर एग्जाम्पल नंबर 16। सो इन दिस क्वेश्चन डाटा गिवन इज जेन लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग एसेट टर्नओवर ऑफ 2 टाइम्स।
यानी लिमिटेड है, तो एक है जो एसेट टर्नओवर, एसेट टर्नओवर ऑफ टू टाइम्स। एसेट टर्नओवर इज सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, विच इज गिवन टू टाइम्स। एंड एक है कि डेट टू एसेट रेशियो ऑफ 0.60, करेगा आपको जो है डेट टू एसेट रेशियो, डेट टू एसेट्स रेशियो। देखो डेट है ऊपर, एसेट्स होती है डेट प्लस इक्विटी, तो दिस रेशियो गिवन 0.6। फॉर द ईयर एंडिंग 31st March, इफ इट्स नेट प्रॉफिट मार्जिन 5%, फिर आपको जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो दिस इज गिवन 5%। सो डिटरमिन आरओई, तो आपको आरओई डिटरमिन करनी है, क्योंकि क्वेश्चन साइलिंग है। नेट प्रॉफिट मार्जिन एक मीन्स ये माना जाएगा आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू सेल्स, विच इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट रेशो 5%। तो आपके पास एसेट टर्नओवर है, डेट टू एसेट्स की रेशो भी है आपके, तो आपको फाइंड आउट करना है आरओई। उसमें डेट भी मिसिंग है, इक्विटी भी मिसिंग है, तो उसमें दो मेथड से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड देखते हैं कि आप एज्यूम कर सकते हो कि टोटल डेट प्लस इक्विटी इज हाउ मच, उसमें से फिर आपका 60% जो है वो डेट आ जाएगा। तो लेट विच इज कॉल्ड टोटल एसेट्स इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी इज इक्वल टू रुपीज 1000। सो देयर फॉर व्हाट इज डेट इज 0.6 ऑफ टोटल एसेट्स, 0.6 इंटू 1000, दिस इज 600। सो बैलेंस इज इक्विटी इज 400। अब आपके पास है एसेट टर्नओवर, उससे आपकी सेल्स आ जाएंगे। सो यू अप्लाई फार्मूला ऑफ एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, सो देयरफॉर वी गेट सेल्स इज एसेट टर्नओवर इनटू टोटल एसेट्स। सो एसेट टर्नओवर इज टू टाइम्स इनटू टोटल एसेट्स आ रहे 1000, सो टोटल सेल्स आ रहे 2000। नाउ यू कैन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन 5%, उससे आपका पैक आ जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे सेल्स इनटू नेट प्रॉफिट मार्जिन, सो सेल्स आर 2000, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 5%, तो गैट इज 100। देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सो इट मीन्स पैक मीन्स जिसे प्रॉफिट फॉर इक्विटी, सो यू कैन कैलकुलेट आरओई। मतलब प्रॉफिट फॉर इक्विटी पैक डिवाइडेड बाई इक्विटी फंड्स टाइम्स 100, सो पैक इज 100, इक्विटी है आपके पास 400 इंटू 100, सो दिस इज कमिंग 25% इज अवर आरओई। अगर भाई एक आपके पास अब है सेकंड मेथड ड्यू पॉइंट एनालिसिस, दिस इज सेकंड मेथड ड्यू पॉइंट एनालिसिस। सो एज पर दिस मेथड वकील आरओई जब आपको प्रॉफिट मार्जिन रेशो दी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सो फार्मूला ऑफ आरओई इज दिस, सो यू टेक नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये आपका आ रहा है सेल्स ओवर कितना प्रॉफिट है, इनटू कर लीजिए एसेट टर्नओवर, इनटू कर लीजिए इक्विटी मल्टीप्लायर। सो नेट प्रॉफिट मार्जिन को हम सिंपली एनपी शो कर रहे हैं, एसेट टर्नओवर है आपकी, इक्विटी मल्टीप्लायर हो गया आपका टोटल एसेट्स अपॉन इक्विटी। तो लेके सी टोटल जिस फार्मूला के नाम से भी रिकन है जो नेट प्रॉफिट मार्जिन इनको एसेट टर्नओवर रेशो एंड टोटल एसेट्स आपकी डेट प्लस इक्विटी अपॉन इक्विटी। तो अब आप कैलकुलेट कीजिए, पर आपको जो है इसमें डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी इसको हमें कन्वर्ट करना है डेट प्लस इक्विटी अपॉन इक्विटी में। तो इट मीन्स जिसे कहा कि डेट रेशो, तो यदि आपकी डेट रेशो है आपकी 60% 0.6, बैलेंस रह जाएगी आपकी इक्विटी रेशो। इट मीन्स टोटल एसेट्स में इक्विटी का कितना प्रपोर्शन है, वो बन जाएगा आपका 1 - 0.6 0.4। तो इक्विटी रेशो होती है आपकी इक्विटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी। तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है जिसमें इसको हम कहते हैं इक्विटी मल्टीप्लायर, ये शो करके है विथ रिस्पेक्ट टू इक्विटी हाउ मेनी टाइम्स टोटल एसेट्स आर अवेलेबल। यदि आप रिवर्स कर देंगे तो ये बनाता है इक्विटी का कितना प्रपोर्शन है टोटल एसेट्स में।
तो अब आपके पास देखो इक्विटी एवं डेट प्लस इक्विटी रेशो है 0.4, बट जिसमें जो डेट प्लस इक्विटी है पॉन इक्विटी, तो इसका करेक्ट है रेसिप्रोकल। तो इट मीन्स अब आपका फार्मूला बन जाएगा आरओई इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट टर्नओवर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इनटू तो 1 अपॉन तो इक्विटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी। सो इट विल गो ऑन अपसाइड, डेट प्लस इक्विटी अपॉन इक्विटी। अब ये रेशो आपको दी हुई है इक्विटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी 0.4, इसमें पुट कर रखे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन है देखो आपका 5%, एसेट टर्नओवर इज 2 टाइम्स इनटू 1 अपॉन इक्विटी मल्टीप्लायर इज इक्विटी रेशो 0.4, तो दिस विल बी अवर आरओई। सो 5 × 10 डिवाइडेड बाय 0.4, दिस इज कमिंग 25%। अब देखेंगे आंसर सेम है दोनों मेथड से, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए, देन यू कैन नोट। तो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 17। तो देखिए अब एग्जांपल 17 में आपको मेंशन किया है रिलायंस लिमिटेड हैज एन रिटर्न ऑन एसेट्स ऑफ 10%, रिटर्न ऑन एसेट्स आपको दी है आरओए जिसे कि 10% एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 2%, नेट प्रॉफिट मार्जिन है आपका जिसे कि 2%। डिटरमिन कंपनी से टोटल एसेट टर्नओवर, इसमें आपको फाइंड आउट करनी है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो इसी में से। तो ये सिंपल है फार्मूला, देखो रिटर्न ऑन एसेट्स का फार्मूला होता है बेटी नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स टाइम्स 100। फिर आप एज पर ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ये आप ड्यू पॉइंट एनालिसिस करके हैं इसका, देन आरओए ये बन गया क्या आपका नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। इट मीन्स रिटर्न ऑन एसेट्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए कहा कि नेट प्रॉफिट रेशो सेल अपॉन टोटल एसेट एसेट टर्नओवर रेशो, तो ये आपको फाइंड आउट करनी है टोटल एसेट टर्नओवर। आपको रिटर्न ऑन एसेट दिया है 10%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 2% इनटू एसेट टर्नओवर रेशो, सो यू विल गेट एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स, ये आपकी 5 टाइम्स आ जाएगी एसेट टर्नओवर। तो नेक्स्ट लगे सी एग्जाम्पल 18, इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मोलिन लिमिटेड इट डिस सेटिस्फाइड विद लास्ट ईयर आरओई ऑफ 15%। तो आपको मेंशन किया है लास्ट ईयर की आरओई दी है हमें कंपनी की, सो आरओई इज गिवन को भी 15%, बट डायरेक्टर्स आर नॉट सेटिस्फाइड दिस आरओई। सो इफ नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड एसेट टर्नओवर रिमेन अनचेंज्ड एट 10%, फिर आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया है एंड एसेट टर्नओवर, ये आपकी सेम रहती है, दे आर सेम, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज गिवन टू बी 10% एंड एसेट टर्नओवर 1.25। इट मीन डायरेक्टर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद आरओई, बट लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड एसेट टर्नओवर इज गिवन विच विल रिमेन सेम, देन दे आर आस्किंग बाय हाउ मच मस्ट द एसेट टू इक्विटी इंक्रीज। तो आपको रेशो कैलकुलेट करनी है एसेट टू इक्विटी बाय हाउ मच इट शुड इंक्रीज टू अचीव 20% आरओई। अब आपको आरओई चाहिए 20%, तो वट शुड बी एसेट टू इक्विटी इंक्रीज, कितना इंक्रीज होना चाहिए, सो दैट सो नाउ आरओई इज इक्वल टू 20%। तो इट मीन्स ये आपकी है प्रपोजल एक्सपेक्टेशन मेबी इन करंट ईयर। तो अब आप देखिए कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है, ऐसे की इक्विटी होता है इक्विटी मल्टीप्लायर। इट मीन्स एज पर ड्यू पॉइंट एनालिसिस आपका फार्मूला है आरओई इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट टर्नओवर इनटू इक्विटी एसेट टू इक्विटी विच मीन्स टोटल एसेट्स अपॉन इक्विटी, ये आपका आ गया इक्विटी मल्टीप्लायर। तो इट मीन्स पहले आप कैलकुलेट कीजिए वकी इक्विटी मल्टीप्लायर ऑफ लास्ट ईयर, सो इक्विटी मल्टीप्लायर ऑफ लास्ट ईयर
which means we have to find this ratio, total assets to equity ratio. ये फार्मूला बन जाएगा आर ओ ई, इसको डिवाइड कर लीजिए नेट प्रॉफिट मार्जिन इनको एसेट कर लो. यू कैन सी आर ओ ई आपको दी है 15%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% इंटू 1.25. सो इट मीन्स इक्विटी मल्टीप्लायर वाज 15/10/1.25, 1.2 times. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं इफ डिजायर्ड आर ओ ई इज 20%, बट इट शुड बी इक्विटी मल्टीप्लायर, और ये दोनों आपके सेम रहेंगे. सो नाउ यू कैलकुलेट, सो डिजायर्ड एसेट टू इक्विटी मल्टीप्लायर, सो गैट आर ओ ई इज इक्वल टू 20%. सो यू विल गेट टोटल एसेट्स टू इक्विटी मल्टीप्लायर. सेम फार्मूला अप्लाई कीजिए, आर ओ ई होगी अब आपकी 20%, नेट प्रॉफिट मार्जिन सेम है आपका 10%, इनटू एसेट टर्नओवर 1.25. टू अचीव दिस आर ओ ई 20%, इक्विटी मल्टीप्लायर शुड बी 20/10/1.25, ये होना चाहिए आपका 1.6, तो पहले का 1.2. तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपका मल्टीप्लायर इंक्रीज होना चाहिए. सो हैंस इंक्रीज इन इक्विटी मल्टीप्लायर शुड बी इक्वल टू 1.6 - 1.2, या कि इक्वल टू 0.4 times. तो इतने टाइम्स आपका इक्विटी मल्टीप्लायर इंक्रीज होना चाहिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19. So in this example you can see data given here, earning power of Syntex Limited is 0.30. So earning power आपको दी है which is 0.30, which means 30%. So if average of total assets and the interest expenses are ₹2,15,000 respectively, फिर आपको दी है total assets and interest expense ₹2 lakhs and interest is 15,000. Then what will be interest coverage ratio? तो आपको फाइंड आउट करनी है what is interest coverage ratio. जिसमें नहीं मिसिंग अर्निंग पावर होती है आपकी रिटर्न ऑन एसेट्स. वट इज मैंग बाय अर्निंग पावर, इट मीन्स रिटर्न ऑन एसेट्स. और इसका बेसिक फार्मूला होते हैं जैसे अब आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हमें मेंशन किया हुआ है, सो दिस इज इक्वल टू इबिट अपॉन टोटल एसेट्स, दिस इज अवर अर्निंग पावर, इनको 100 कर लीजिए ये परसेंटेज बन जाएगी. टोटल एसेट्स हैं आपके पास तो उससे इबिट आ जाएगी विच इज 30% दिस इज गिवन. सो वट इज इबिट, दिस इज टोटल एसेट्स विच इज ₹2 lakhs, उसके ऊपर आपको अर्निंग्स हैं 30%, इट मीन्स ₹60,000. तो आपको फाइंड आउट करनी है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इट इज़ वेरी सिंपल. सो इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज इबिट अपॉन इंटरेस्ट, तो इबिट आपका कितने टाइम्स है टू पे इंटरेस्ट. सो दिस इबिट इज 60,000, इंटरेस्ट इज 15,000, दिस इज कमिंग टू बी 4 times इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो. क्वाइट सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट लेट इज एग्जाम्पल नंबर 20. सो इन दिस एग्जाम्पल डेटा गिवन इज टोटल एसेस टर्नओवर एंड टोटल एसेस को नेट वर्थ ऑफ जेनिक लिमिटेड आर 1.75 and 2 रिस्पेक्टिवली. तो एक आपको दी है टोटल एसेस टर्नओवर और एक आपको ये रखी है टोटल एसेस को नेट वर्थ, टोटल एसेट्स टू नेट वर्थ. टोटल एसेस टर्नओवर होती है आपकी सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स की नेटवर्क होगी टोटल एसेट्स अपॉन नेटवर्क. ये दो रेशियो का आपको दी है, सो दी जा रहे 1.75 and 2 रिस्पेक्टिवली. सो इफ नेट प्रॉफिट मार्जिन होगा कंपनी की 8%, अब नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आपको दिया है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू 8%. So they are asking what will be its ROE.
तो आपको आरओई फाइंड आउट करनी है। तो आप देखते हैं टोटल एसेट की नेटवर्क, टोटल एसेट होती है आपकी डेट प्लस इक्विटी अपॉन नेटवर्क मीन्स इक्विटी। तो इसमें जिसे इक्विटी मल्टीप्लायर, तो एक आपको दिया है एसेट टर्नओवर रेशियो भी दिया है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी दिया है, तो आप आरओई कैलकुलेट कर सकते हैं एज पर ड्यू पॉइंट एनालिसिस। तो उसमें आपका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, आरओई इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन इनको एसेट टर्नओवर इनको इक्विटी मल्टीप्लायर, बिकी टोटल एसेट्स अपॉन इक्विटी। तो तीनों आपको दे रखी है, सो बताइए नेट प्रॉफिट मार्जिन 8%, एसेट टर्नओवर रेशियो 1.75, इक्विटी मल्टीप्लायर इज 2 times। सो दिस विल बी अवर आरओई, दिस इज 28% आरओई। तो नेक्स्ट लेके से एग्जांपल नंबर 21, इसमें देखिए आपको रखा गया है फॉलोइंग फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट्स आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ लोकस लिमिटेड, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट आरओए विद द हेल्प ऑफ एसेट टर्नओवर एंड आरओई विद द हेल्प ऑफ इक्विटी मल्टीप्लायर अंडर ड्यू पॉइंट एनालिसिस। तो आपको आरओए कैलकुलेट करना है एंड आरओई विद द हेल्प ऑफ ड्यू पॉइंट एनालिसिस। तो आपको इसको रखा गया है, नेट इनकम दी है, रेवेन्यू दिया है आपको, एसेट्स दी हैं, इक्विटी दी है रुपीज आ रही है 1000 से, तो बेटा आपको दिया है रुपीज इन 1000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन नेट इनकम, तो नेट इनकम होती है आपकी नेट प्रॉफिट। तो क्वेश्चन साइलेंट है, इट मीन जिसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सो देखिए गिवन को भी 438,000। सो देन वी आर गिवन रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स सेल्स, सो टोटल सेल्स आर 2620। देन एसेट्स आर गिवन, इट मीन टोटल एसेट्स, सो दिस इज इक्वल टू 1588। यानी कि इक्विटी विच इज गिवन टू बी 790। तो देखिए आपको आर ओ कैलकुलेट करनी है ड्यू पॉइंट, तो उसका फार्मूला है आपका बताइए नेट प्रॉफिट मार्जिन इनकू एसेट्स टर्नओवर रेशो, उनको फार्मूला क्या है एनपी अपॉन सेल्स इनकू एसेट टर्नओवर की सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, सेल कैंसिल हो जाती है, ये रह जाता है एनपी अपॉन टोटल एसेट विकी रिटर्न ऑन एसेट्स। को अब आप पहले कैलकुलेट कीजिए आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन, मारना है नेट प्रॉफिट 438, सेल्स आर गिवन 2620 टाइम्स 100, सो 438 डिवाइडेड बाय 2620 टाइम्स 100 विच इज कमिंग 16.7176%। सो देन यू कैलकुलेट एसेट टर्नओवर, दिस इज सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, सेल्स है आपकी 2620, टोटल एसेट्स आर गिवन 1588, सो 2620 डिवाइडेड बाय 1588, सो दिस इज कमिंग टू बी 1.65 राउंड फिगर, अगर लाइक इज 1.6499। अब उसने बुक कर लीजिए नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.7176 इंटू 1.65, ये है परसेंटेज में, सो 16.7176 इंटू 1.65 इज गमिंग 27.58% इज ओवर रिटर्न ऑन एसेट्स। इसी तरीके से आप आरओई कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आर ओ का देखिए फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला है आपका प्रॉफिट अपॉन इक्विटी। तो ड्यू पॉइंट में हम इसको सप्लिट करके प्रॉफिट अपॉन लेते हैं हम सेल, तो सेल्स को कैंसिल करने के लिए हम लेते हैं सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स को कैंसिल करने के लिए हम लेते हैं टोटल एसेट्स अपॉन इक्विटी। जैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर एंड इक्विटी मल्टीप्लायर, तो ये दो रेशो को आ गई हैं आपके। अब हम कैलकुलेट करते हैं इक्विटी मल्टीप्लायर, तो बताइए इक्विटी मल्टीप्लायर
इसकी टोटल एसेट्स आपको दे रखी हैं 1588 अपॉन इक्विटी 790। सो विच विल बी 1588 अपॉन 790, 2.01। इसने बुक क्या रखे हैं, सो यू विल गेट आर ओ ई। नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.7176। इनको एसेट्स टर्नओवर 1.65, इनको इक्विटी मल्टीप्लायर 2.01। सो जिसमें देखिए 16.7176 टाइम्स 1.65 टाइम्स 2.01, तो दिस आर ओ ई कमिंग 55.44%। जिस बात की विद दी हेल्प ऑफ ड्यू पॉइंट एनालिसिस, अगर भाई आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नाइन इनकम को डिवाइड करो इक्विटी से ये आर ओ ई आ जाएगी, नाइन इनकम को डिवाइड करो एसेट से वो आपकी आर ओ ई आ जाएगी, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेट अस सी एग्जांपल नंबर 22। उसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है, ए बी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड ऑफ लॉन्ग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च। सो 12% लॉन्ग टर्म डेट आपको दिया है, कैपिटल टर्नओवर रेशो, डेट इक्विटी रेशो, जीपी रेशो, ग्रोस प्रॉफिट रेशो, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रिटर्न ऑन इक्विटी, इनकम टैक्स रेट। सो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर क्रेडिट एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च। तो कुछ आपको रेशो दिए हैं, लेट अस सी गेट वन। फर्स्ट ऑफ ऑल 12% गैट अमाउंट्स हैं आपके रुपीज में, जैसे जो 56 लाख। सो देन वी आर गिवन कैपिटल टर्नओवर रेशो, जैसे जो गिवन को भी 1.25 टाइम्स। देन गैट इक्विटी रेशो, पीछे गैट अपॉन इक्विटी 2:1। देन ग्रोस प्रॉफिट रेशो, जीपी रेशो, देखिए जो 30% जीपी पॉन सेल। सो ओपनिंग स्टॉक ही गिवन, जिसमें देखिए 4,50,000। देन क्लोजिंग स्टॉक ही गिवन, जैसे कि 10% ऑफ सेल। तो क्वेश्चन में भी आप ले सकते हैं स्क्रीन पर जो डाटा मैं लिख रहा हूँ, आर ओ ई 50%। तो टैक्स रेट है 30%। तो आपको प्रिपेयर करना है इसमें क्रेडिट एंड पी एंड एल अकाउंट। उसके लिए देखो आपको सेल्स चाहिए, जीपी चाहिए। तो देखते हैं पहले कैपिटल टर्नओवर है आपके पास, डेट इक्विटी रेशो है, डेट आपको दिया है, तो उसमें पहले इक्विटी कैलकुलेट हो जाएगी। अप्लाई करते हैं डेट इक्विटी रेशो, जिसे इक्वल टू 2:1। तो यू विल गेट इक्विटी, देखिए डेट डिवाइडेड बाई 2। सो गैट इज गिवन 56 लाख डिवाइडेड बाई 2, दिस इज कमिंग 28। उससे आपका कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल इज गैट प्लस इक्विटी, गैट इज 56 लाख, इक्विटी इज 28 लाख्स, 84 लाख्स, दिस इज अवर कैपिटल। अब आपको दिए कैपिटल टर्नओवर रेशो, सो यू कैन अप्लाई दिस वन कैपिटल टर्नओवर रेशो, जिसे ये सेल्स अपॉन कैपिटल। सो दिस रेशो इज गिवन 1.25, उससे सेल्स आ जाएंगे आपकी, कैपिटल इनको 1.25, 84 लाख, इनको 1.25। सो 84 इनको 1.25, जैसे कि 105 लाख। तो सेल्स के ऊपर आपको मिलेगा जीपी 30%, सो यू विल गेट ग्रोस प्रॉफिट 105 लाख से इंटू 30%। तो जीपी ये 31,50,000, और सेल्स के बेस पर ही आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जिसे कि 10% ऑफ सेल्स है 105 लाख, सो 10% विल बी 10,50,000 क्लोजिंग स्टॉक आर ओ ई। इससे आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब नेट प्रॉफिट जैसे जो इक्विटी आपकी कितनी है इनको आर ओ ई, इक्विटी है आपकी 28 लाख, उसके ऊपर आपको रिकरिंग मिल रही है 50%।
इट मीन्स जैसे ये नेट प्रॉफिट जैसे ये 49 लाख, तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, टैक्स रेट है आपके पास, तो ये आपका है आरओई के बेस पर आ रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसको आप बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट, 14 टैक्स रेट है आपका 30%, तो 14 लाख डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.3 जैसे कि 20 लाख। अब हम बना सकते हैं ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट, सेल्स है आपके पास, ओपनिंग स्टॉक है, लेकसी शो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे की फॉर द ईयर रैंकिंग ऑन 31 मार्च। सो फर्स्ट हो रहा है ओपनिंग स्टॉक, जिसे गिवन 4,50,000, जब वी हैव परचेजेज, जब वी हैव जीपी, जीपी आपने कैलकुलेट किया है 3,150, जब वी हैव ऑन क्रेडिट साइड सेल्स 105 लाख, एंड क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 10,50, कुछ मीन्स आपकी परचेज मिसिंग है, तो ये बैलेंस ही गिर आ जाएगी आपकी, तो 115,50,000, उसमें से माइनस कीजिए 115,50,000 माइनस 31,50,000 माइनस 4,50,000 79,50,000 आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई, जिसे कि बैलेंसिंग फिगर परचेज। अब आप मेंशन कीजिए जीपी 31,50,000, अब आपका पीबी के लिए आ गया, पीबी के लिए 20 लाख, इतनी बैलेंस हमारे एक्सपेंसिज आ जाएंगे, और इंटरेस्ट भी आप शो कर सकते हैं सेपरेटली, तो आप देखिए इंटरेस्ट कितना है 56 लाख के ऊपर 12%, टू इंटरेस्ट 6,72,000, प्रोविजन फॉर टैक्स भी आप कर सकते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स जिस पे भी पीबी की 20 पैक इज 14, सो डिफरेंस आपका टैक्स आ जाएगा 6 लाख, सो बैलेंस हो गया तो नेट प्रॉफिट विच इज योर पैक, दिस इज 14 लाख। टोटल एज 31,50,000 बैलेंस आपके एक्सपेंसिव आ जाएंगे, 3150 माइनस 14 लाख माइनस 6 माइनस 6,72,000 जैसे 478,000 एज ओवर एक्सपेंसिव, ये भी आपका बैलेंसिंग होगा, एंड जैसे कि नेक्स्ट तो इंग्लिश में वी कैन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। तो ये फुल क्वेश्चन था जिसमें आपको कुछ रेशो दिए होते हैं, उससे आप मिसिंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। उस लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए मेनली आरओई के बेस पर, तो फर्दर एग्जांपल्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।